नंदनपुर से नन्नू जिज्जा को ना बुलाना पड़े। अब क्या ज्योति के लिए ही आ रही है जूठी यहाँ? पुतन जब 26 की हुई तो उसने बड़ा शोर मचाया था, तो उसकी ज्योति भी 24-25 की हो गई होगी, तो इनकी पूरी दाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, ठीक है जी। आपका लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगा, और ये वीडियो तो आप ही का है ना, इसलिए लाइक करना जरूरी है। तो वही रिक्वेस्ट है जूटी और पुतन से भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं थोड़ी सी बात, नहीं थोड़ा सा गाना गुनगुना लेते हैं। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू आए। मैं तो कहती हूँ जूठी तू ना ही आए, ना तू आए ना कयामत आए। आप लोगों को पता है जूठी के आने से ही जल जले आते हैं, जूठी के आने से ही कयामत होती है। जूठी का अगर अपने एक बुजुर्ग दंपति को अलग करना, तो जूठी को वो पाप समान लगा, जूठी को वो मतलब कि दिल से वो लगा कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा मोटू बिटिया को भी लगा है ना। मोटू बिटिया को ही एक्चुअली में लगा था, जूठी को तो बाद में महसूस हुआ। लेकिन एक यंग जिन्होंने अपनी लाइफ जो है अभी उस कपल ने, यंग कपल ने अभी स्टार्ट ही की थी, उन दोनों को अलग करना, क्या जूठी वो ठीक लगा था? तो क्यामत जो है वो तुम्हारे आने से ही होती है, सो तुम ना ही आया करो डीजे गंज, तो वही बेहतरी होगी। लेकिन अरे अरे अरे, ये पुत्तन ने क्या बोल दिया? ये पुत्तन ने तो बोला कि चिंटू के बर्थडे के लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रहा। अरे ऐसा क्यों? उसकी मौसी, माँ जैसी जो मौसी है वो नहीं कर रही क्या? कोई प्लानिंग नहीं कर रहा? जब मामा की जान, मामा की जान चिंटू बेईमान, यहाँ पर चिंटू बेईमान नहीं, यहाँ मामा बेईमान है। चिंटू तो बेचारा भी बोलना भी ना सीखा, ठीक है। फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट उसका कैसे होगा बिन पापा, क्या अच्छा लगेगा? तो यही बात है कि पुत्तन का कहना कि कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा है, जो प्लानिंग कर रही है वो पुत्तन ही कर रही है। ग्रैंड सेलिब्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन छोटा सा सेलिब्रेशन तो वो जरूर से करेगी अपने दम पर, जैसा कि वो शुरू से ही करती आई है। जिस गैस चूल्हे पे वो खाना बनाती है वो भी उसी का ही है। ये चीजें चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं कि बेटियां जो हैं अपनी माँ को, अपने भाई को कोई भी गिफ्ट दे सकती हैं, लेकिन बेटियों को गैस चूल्हे जैसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसी पे खाना बनाते हैं आग जला के। तो ऐसी ही आग जो है वो लगा चुके हैं उसके घर पर। तो यही बातें हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने आप, अभी रीति रिवाजों में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि जैसा कि हम अपने बच्चों को दान दहेज देते हैं, नाम दिया जाता है दान दहेज का, लेकिन लड़की की उन जरूरतों के लिए हम कुछ सामान देते हैं उनको, उसमें उसके तवा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है पुराने बुजुर्गों का। गैस चूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक बेटी ने ही गिफ्ट कर दिया गैस चूल्हा, है ना। तो बहुत अच्छी इनकम है यहाँ पर डीजे में की भी, वो भी पे कर सकती थी उसको। चलिए हम अपने टॉपिक से नहीं हटना चाहते, यहाँ पर बात ये आ रही है कि डीजे गंज में उतर चुकी हैं जूटी। तो कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का मतलब कि हम लोग डिस्कशन से आगे चलते हैं ना, कि क्या वो एक्चुअली में चली गई हैं अपने ससुराल अपनी मदर इन लॉ को लेके? तो नहीं नहीं नहीं, ससुराल तो वो गई होंगी लेकिन थोड़ी देर के लिए गई होंगी, वो वहां टिकने वाली नहीं है, वो वापस ही लैंड करी होंगी डीजेगंज में, है ना जी। क्योंकि उसको तो एक रूम ही नहीं मिला था शादी के बाद वहां पर, उसको तो स्पेस ही नहीं है, उसके लेटने भर की वहां पे जगह भी नहीं है। अब जो उसके बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड है वो तो वैसे ही इस टाइम पे काफी चोट खाए हुए हैं, तो वो तो उठ के ये भी नहीं कि जमीन में कहीं इधर उधर बिस्तर लगा लेते हैं ना, तो वो वहीं पे है। सो जूठी के लिए वहां पे कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन जूठी का जूठ जो है वो पुत्तन ने यहाँ पर खोल दिया है। पुत्तन ने बोला कि वो जा रही है चांदपुर, जूठी कह रही है कि आ रही हूँ मैं यहाँ 3 मंथ के लिए। आपको पता ना उसने आइस का कोर्स करना है ना जी, तो उसके लिए उसको 3 मंथ चाहिए, ऐसा जूठी का कहना है ना। लेकिन पुत्तन तुम वहां पे क्या करने जाओगी?
क्योंकि जूठी तो वहां पे कोई ऐसी तैयारी नहीं करके आई है, ना ही रेंट का कोई घर ढूंढ के आई है, ना ही कुछ ऐसा देख के आई है वहां पर, है ना, कि जहां पर ये पुत्तन को वहां पे लैंड करवा सके, पुत्तन और वो ये दोनों इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो अपनी जिंदगी जी सके चिंटू के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कपड़ों के साथ किसी ने मेरे साथ ये क्वेश्चन, देखिए आपके आते हैं, मैं आप लोगों के साथ उसके आंसर देना पसंद करूंगी, लेकिन वो क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का कहना था कि ये जो पुत्तन है ये इसलिए चांदपुर जाना चाहती थी कि नंदनपुर से नन्नू जिजा को ना बुलाना पड़े, अक्कू जिजा को तो ना बुलाना पड़े डीजेगंज में। सो ऐसा है, अक्कू जिजा के यहाँ से ऐसा कोई भी नहीं आएगा। और अगर ये जो पुत्तन है ये सोच के बैठी है कि नन्नू जिजा जो है वो मनाने आएगा, तो वो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि गलतियां दोनों ओर से हुई हैं, लेकिन इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ गलती जो है वो पुत्तन की ओर से ही है। खुद पुत्तन के ही व्यूअर्स जो हैं वो उसको भी कहते हुए समझाते हुए नजर आए हैं कि चली जाओ, क्योंकि पहली बार भी और इस बार भी पुत्तन जो है बिना मतलब किसी को बताए खुद अपनी मर्जी से गई है, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट औरतों की बात नहीं है, डिपेंडेंट मर्दों की भी बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है एक फैमिली मेंबर की भी। अगर पांच फैमिली मेंबर है घर में, तो पांचों में से अगर कोई भी बाहर जाता है तो वो घर बोल के जाता है ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं इतने बजे आ जाऊंगा, या जो भी रीजन रहता है। लेकिन घर में तीन मेंबर हैं और बीमार अपनी मदर इन लॉ जो हैं उनको छोड़ के वो गई थी, मतलब हमेशा की तरह काम से ही बच के गई थी, खुद अपनी जिम्मेदारियों से वो भागी थी वहां से। लेकिन उनकी मदर इन लॉ ने सेवा जो की है वो सब लोगों ने भी देखा है, चाहे वो 9th month है या फिर बाद में, है ना। लेकिन पुत्र को बैठा के जो खिलाया है वो तो सभी करती हैं माएँ, सभी सासें भी करती हैं कि जब डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद तुरंत तो वो लगनी चाहती काम पे, वो करा है उन्होंने, है ना, जो भी जितना भी किया उन्होंने, जितना उनसे हो पाया अपनी तरफ से उन्होंने 100% देने की कोशिश की है। लेकिन 9th month की डिलीवरी में पुत्र खड़े खड़े थोड़ा सा छोंक लगा देना, थोड़ा ये कर देना, थोड़ा वो कर देना, तो वो तुमने अपने लिए किया है कि काम करती रहोगी तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अगर माँ के घर में अभी भी हो या पहले भी गई हो प्रेगनेंसी में, जब तुम्हारी माँ जैसी मासी तुम्हारी भी आ रखी थी, जब भी तुम काम में लगी हुई थी, मोटू बिटिया बैठ के खा रही थी और तुम्हारी ये जूठी भी जो है वो उस टाइम पे भी बैठ के खा रही थी और तुम काम कर रही थी, ठीक है। तो ये छोटे मोटे काम जो है वो मायने नहीं रखते, वो तुम्हारे अपनी ही हेल्थ के लिए अच्छे थे। ये सब चीजें सब ने देखी है। 9th month की तुम्हारी प्रेगनेंसी की स्टोरी, तुम्हारी शक्ल वहां पे देखना, क्यों थायराइड वहां पे खत्म हो गया था, नहीं हुआ था, वहां पे थायराइड था ना, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी 3 month बाद भी जब तुम अपने आप 4 महीने बाद भी चली गई थी नन्नूपुर, है ना, तो उस टाइम पे भी 2 महीने वहां पे रही हो, जहाँ 1 महीना ही वहां पे रही हो, वो भी शक्ल सबने देख लिया, मतलब वहां के पंजाब के पानी में असर ही कुछ ऐसा है। ये चीजें जो है वो जरूर से बताना, है ना। वैसे बताऊं कि अपना घर जो होता है ना, अपने घर में रूखी सूखी भी मिले ना तो शक्ल अलग ही होती है, लेकिन डीजेगंज में तुम्हारा रहना, तुम्हारी शक्ल के 12 बज जाना, और चिंटू की तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो, जो अपने मुंह से उगलती नजर आई थी, ये सूजी बना दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम तो दाल का पानी देती हुई भी नजर नहीं आए, क्योंकि दही तड़का तो वो नहीं खाएगा। हम लोगों के जो बच्चे हैं, हमें अब तक इस उम्र में भी, मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, अभी तो +1 के एग्जाम दिए बेटे ने, तो इस उम्र में भी, मतलब कहना मेरा मतलब कि बच्चे बड़े हो गए हैं, इस टाइम पर भी हम लोग बच्चों की पसंद से हम लोग खाते हैं, कि बच्चों को हमें क्या खिलाना है, अब अपने लिए अलग क्या बनाए, ठीक है, दाल सब्जी जो उनकी पसंद की बनी है उसी में हम लोग खा लेंगे, बस वही चीज है। तुम उसकी पसंद की दाल बनाओ तो तुम बत्ती और डीजेमी और तुम खाओ, वो चीज समझ में आए। मिक्स वेज बनाओ, ठीक है, उसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स वेज को थोड़ा घोट लो, मतलब अपने लिए सब्जी बना लो थोड़ी सी, उसके लिए मिक्स वेज थोड़ा सा घोट लो, वो बच्चे को खिलाओ। तुम तो कुछ भी केयर नहीं कर रही हो, इसी वजह से तुम उसकी शक्ल नहीं दिखा रही हो, है ना जी। तो ये वो बातें हैं पुत्तन की, जो जे अपने दम पे सब कुछ करती हुई तो नजर आई, लेकिन जूठी की पोल खोलती भी हुई नजर आई है, जैसा कि 3 month की आइल्स की पोल खोलती हुई नजर आई है, कि जैसा इसको जाना है चांदपुर, जूठी को आना है जहां पर, अब जो जूठी ने सजा दी होगी पुत्तन से कि खेतों में काम करवाया जाएगा पुत्तन से, ठीक है,
फिर जब खेतों से काम करवाया जाएगा पुत्तन से, और थकी हारी पुत्तन जब आएगी घर पे तो घर का सारा काम करेगी। पुत्तन का कहना है, मैं अपनी फीड करवाती हूँ बच्चे को, ठीक है? अगर तुम अपनी मदर फीड दे रही हो बच्चे को, तो उस टाइम पर वो थका हुआ दूध, न्यू मॉमिस के लिए एक टिप्स है, सबसे पहले थोड़ा सा दूध जो है वो निकाल दिया करो, यानी कि 10-15 ड्रॉप्स जो है वो निकाल दिया करो, ताकि आपके दूध का वो जो थकान रहती है या कुछ है वो निकल जाया करे। उसके बाद बच्चे को फीड दिया करो। ये चीज़ मैंने पुत्र को इसलिए बताई है कि इसका बेबी जो है वो दूध पी के थका हारा वो सो जाता है, क्योंकि थकान सारी उसी को चली जाती है। लेकिन जिस दिन वो रात में जगाता है, वो दूसरे दिन इसके एपिसोड में बता दिया जाता है ना? अब इसको फनी वे में मत लेना, ये चीज एक्चुअली में काफी इफेक्टिव है, आप करके देखना, जो न्यू मॉमीज है उनको मैं बता रही हूँ, है ना जी? तो हमारे तो और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ मतलब टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि यही कंटिन्यू चल रहा है। मैं अपने न्यू चैनल पर न्यू मॉमीज के लिए टिप्स लेके आने वाली हूँ, वहीं पे अपलोड किया करूंगी, जिनको देखना है वहां पे देख लिया करें, जिन्होंने वो चैनल इंडियन यूट्यूबर डिम्पल सब्सक्राइब नहीं किया कर लिया करें, बहुत फायदे में रहोगे आप लोग। लेकिन अभी बात आ रही है डाउरी की भी, जहां पर दान दहेज की भी आएगी बात। जहां पर देखिए पुत्तन को सजा, तो अभी जो टॉपिक है ये मैं खत्म करने वाली, सजा तो देखिए जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। कि झूठी क्या, जो सस्पेंस था वो पुत्तन ने पहले ही खोल दिया अपने एपिसोड में, ठीक है? तो अब बात आती है कि चलिए ठीकरा नहीं फोड़ेंगे ये व्यूअर्स के ऊपर, फिलहाल तो रिश्तेदारी भी दूर होती हुई नजर आ गई है इनसे। लेकिन चलिए ये टॉपिक खत्म करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि पुत्तन का बार बार अपने ही एपिसोड में बताते हुए नजर आना, जैसा कि हम लोग जाने कि मैं पूछती रहती हूँ कि जो दीवार है बीच में, वो जो रिलेटिव्स थे वो अब नजर नहीं आते हैं, तो पुत्तन का कहना शुरू हो गया कि नहीं नहीं वो आते हैं, ठीक है, वो आते हैं हमारे घर पर, ये दिखाती नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए, लेकिन उनकी तो पहले से बन रखी है, क्योंकि पहले तुम लोगों ने खूब गोलगप्पे खिलाए हैं जानकी बत्ती ने। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बत्ती के ऊपर भी। बत्ती से ये अपनी तरफ से जो बत्ती है वो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी बहन को, अपनी माँ को खुश रखने की। चलिए जो उसका फर्ज था, जैसा था वो वहां पे दिखा रहा है, लेकिन अब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट पे ये कौन सा धमाल करने वाले हैं, कैसी खुशियां मनाने वाले हैं जूठी के इन लॉज को बुलाकर, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल ये सब चीजें जो है क्लियर करेंगे इनके एपिसोड के साथ साथ अपने एपिसोड में भी, इनके एपिसोड में हम नहीं, इनके एपिसोड में ये क्लियर करेंगे। लेकिन बात ये भी है साथ में कि मोटू बिटिया जो है वो भी आ चुकी है, क्योंकि एक दिन के फर्क के साथ ये लोग एपिसोड जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है जी? तो एक यही नहीं, बाकी लोग भी, सिर्फ रिएक्शन चैनल जो है वो उनका रिएक्शन चैनल जो है वो ही सिर्फ आप लोगों को ऑन द स्पॉट मिलते हैं, कि से ताजे और फ्रेश बनाए जाते हैं, ठीक है? अब जूठी का ये भी ना कहना कि मोटू बिटिया तो आई नहीं, लेकिन मोटू बिटिया पिछली बार भी 10 दिन के लिए मायके में मुंह छुपा कर रही थी अपने, तो इस बार भी वो रहेगी वहां पे ही। लेकिन जब पहले पापा जी बीमार हुए थे मोटू बिटिया के, तो उस टाइम पे मोटू बिटिया का बहाना था कि उसके पास टाइम नहीं मिला, लेकिन जो टेस्ट उस टाइम पे रह गए थे इस बार वो टेस्ट जरूर करवा लेना और दिखा देना। पर मोटू बिटिया के लिए बहुत स्पेस है उसके अपने घर में, तो मोटू बिटिया तो वहां पे है। जूठी का आना जहां पर इसलिए जरूरी हो गया था कि देखिए जो जूठी है उसके सोफे के साथ हुई है छेड़छाड़, छेड़छाड़ हुई है, तो वो जूठी तो फिर अब रह नहीं ना सकती, अब वो आएगी पुत्तन की क्लास लगाएगी। अब पुत्तन जो इतनी सी स्पेस लिए बैठी थी, एक गद्दे पे पूरी ठंडियां निकाल दी हैं नीचे ही उसने, अब देखते हैं नीचे सोने की बारी किसकी है। क्योंकि यहां पर एक शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज, कल ब्रेकिंग पे बड़ा धमाल हो गया यार। मैं डिनर के लिए लेट हो रही थी, मैंने स्पेलिंग देखी नहीं, चेक ही नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं मैं भी क्लासेस ले लूंगी। लेकिन जिन जिन का वो ब्रेकिंग न्यूज वाले स्पेलिंग पढ़ के हंसी के साथ खून बढ़ गया है ना, वो मेरे इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, ठीक है जी? चलिए इधर उधर की बात अभी ना करें, टॉपिक से ना हटते हुए मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक शॉकिंग न्यूज ये है कि जूटी के यहाँ पर जो मम्मी जी हैं, यानी कि बेस्ट फ्रेंड जो हैं, वो नीचे गद्दा डाल के सोती रही हैं, ठीक है?
थोड़ा सा मैं इस बात को इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब अभी इसने चांदपुर में नया वाला जो घर लिया था वहां पे ये गद्दा डालकर तीनों लोग नीचे ही सोते थे, लेकिन खुद जो डबल बेड वाला गद्दा था उसके ऊपर मोटू और मोटी सोते थे, सॉरी जूठी सोते थे, लेकिन पतला सा वही वाला गद्दा जो अब कहने को है कि मोटू के लिए बिछाया गया है नीचे, उस वाले गद्दे पे बेस्ट फ्रेंड सोती थी। तो अब बेस्ट फ्रेंड जो है वो ऊपर वाले गद्दे पे कैसे सो सकती है, वो वही नीचे वही गद्दा डाल के वो सोती होंगी। सारा दिन तो वो बेचारी नीचे जमीन पर ही बैठी रहती थी। आप लोगों को पता है उसका कहना था कि बहू बेटे के बिस्तर पर मैं नहीं सो सकती, सो इसलिए वो नीचे ही सोती थी। तो जूठी तुम्हारे लिए स्पेस कैसे हो सकती है फिर उनके घर में? और अभी चलिए इन सबके ऊपर बातें तो हो गई, लेकिन मैं बत्ती बत्ती इस पे थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहती हूँ कि देखिए जब उसकी आएगी ज्योति, क्या ज्योति के लिए ही आ रही है जूठी यहाँ पर? अब वो भी चीजें देख लेंगे, वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर कि आती है कि नहीं। देखिए 27 का तो वो भी हो गया, पुतन जब 26 की हुई तो उसने बड़ा शोर मचाया था, 27 लगते लगते उसने शादी कर ली थी, है ना। अब 32 जो है वो 27 का हो चुका है, तो उसकी ज्योति भी 24-25 की हो गई होगी, तो उसको जल्दी से ले आओ भाई अपने यहाँ पर ताकि वो तुम लोगों को तुम्हारे घरों के रास्ते दिखा सके, तुम लोगों को तुम्हारे जगह वो बता सके, तुम लोगों को तुम्हारा घर का क्या डिसिप्लिन होता है, घर को कैसे घर की तरह रखा जाता है वो बता सके, और रिश्तों में कैसी गर्मराहट होनी चाहिए। गर्मराहट, गर्माहट, गर्माहट हिंदी में भी झोल है ना, क्योंकि इनकी पूरी कहानी में ही झोल है, इनकी पूरी दाल ही काली है ना, ऐसे ही फिर लफ्ज भी मुंह से इधर से उधर हो जाते हैं। तो रिश्तों की जो गर्माहट है वो कैसे बनाए रखी जाए ये सिखाएगी इनको इनकी भाभी जानी की ज्योति। तो चलिए आज का वीडियो मेरा यहीं तक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।